यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। काबिल हो तुम, दुर्गा हो तुम, शक्ति हो तुम, पूजा हो तुम, भक्ति हो तुम, जननी जगत हमारी हो तुम, नारी हो तुम, नारी हो। नमस्कार, हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस नारी सम्मान सम्मेलन में, जो समर्पित है उन नारियों को जिन्होंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है इस समाज को एक नया मार्गदर्शन देने की। मैं सुश्री सुमेधा कटारिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यश बाबू और यूनिवर्सल कवरेज के सौजन्य से जो वुमेन अचीवर्स को सम्मानित किया जा रहा है, ये सही अर्थों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नारे और मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सार्थकता को सिद्ध करता है। इन प्रतिभाशाली बेटियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और आज इन्हें सम्मानित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करती हूं। क्षमा चाहती हूं, पर इस सम्मान की असली हकदार हम नहीं, हमारी माँ है। हमारी माँ ने ही हमें इस काबिल बनाया, शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और हमारी माँ की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर है। मैं विद्या सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमें नाज है ऐसी मां पर, इन्होंने समाज की पूर्वग्रही सोच को आईना दिखाया है। जो समाज ये समझता है कि केवल बेटे ही परिवार का नाम ऊंचा कर सकते हैं, जो कुछ इन्होंने बेटियों को दिया प्रोत्साहन थपकी प्रेरणा के रूप में, तो आज परिणाम आपके सामने है। इनकी अचीवर्स बेटियां, वी आर प्राउड ऑफ यू विद्या जी, हम आपको नमन करते हैं। मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूं कि उसने मुझे बेटियों से नवाजा है, और आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिखाया अपनी मेहनत से कि वो बेटों से कम नहीं। मैं हर माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि अपने बेटियों के पंखों को बांधिए मत, उन्हें प्यार से हौसला दीजिए कि वो ऊपर ऊंचे आकाश में आजादी से उड़ सके। करण सिंह के साथ रहोगे तो ऐश करोगे। अरे वो तो कर ही रहे हैं। एक का छोरी है भाई, ढाले इसने। गाड़ी पार्क करके ही जा रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे लोकेशन पर पहुंचने में। जैसे ही खत्म होता है आपको इन्फॉर्म करती हूँ।
अरे पकड़ उसे। रिया यार, तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसे गुंडों से पंगा मत लिया करो। वो तो अच्छा था कि तुम्हारे बॉस ने मुझे टाइम पर फोन कर दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। तुम हो ना मेरे शक्तिमान, मुझे हर मुसीबत से बचा जो लेते हो। बाय द वे, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस इंस्पेक्टर। क्या आप हम इनका स्टेटमेंट ले सकते हैं? मेरा पेशेंट अभी स्टेटमेंट देने के लिए फिट नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब मुझे लगेगा कि पेशेंट ठीक है तो मैं आपको बुला लूंगी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम लोग चोरी के माँ बाप से। देखिए, ये एक पुलिस केस है, आप पेशेंट को इस तरह नहीं ले जा सकते। देखिए, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो अपनी छोरी को ले जाएंगे। चल चल मेरी बेटी, चल। वेल डन रिया। थैंक यू सर। ये खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। जी सर। इससे पहले कि आज हम सालाना मीटिंग की शुरुआत करें, मैं सबसे पहले आप सबको प्रगति से मिलवाना चाहता हूँ। प्रगति वो लड़की है जिसने यूनिवर्सिटी से लॉ में टॉप किया है, गोल्ड मेडल जीता है। वेलकम हर विद बिग हैंड। विद द गाइडेंस ऑफ अ सीनियर प्रोफेसर,
इसने बार काउंसिल के मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी और हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटी ने इसे एक्सेप्ट किया और मेंबरशिप अवॉर्ड की। प्लीज कम प्रगति। आज से आप बार काउंसिल की मेंबर हैं। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तथा तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वकालत मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि मेरा सपना था, और आज आप लोगों के बीच आकर मुझे अपना सपना सच होता दिखाई दे रहा है। मैं इंसाफ की देवी की आंख, कान और हाथ बनकर सदा जुर्म और अत्याचार के खिलाफ और सत्य के लिए लड़ने का वादा करती हूँ। रिया? हाँ माँ। क्या बात है बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? गई थी माँ, जल्दी आ गई। तो फिर ये सब सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है माँ। आप रोज जल्दी आती हो और हमारे लिए खाना बनाती हो, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगी और अपनी माँ को थोड़ा सा आराम दूंगी, इसलिए मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट डिशेस बनाई है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए। प्रगति नहीं आई अब तक? लो हा? नाम लिया और आ गए। अरे अरे, क्या है इस लिफाफे में? जादू? दिखा तो। नहीं, नहीं। अरे, 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 अरे बस बस, क्या उधम मचा रही हो तुम दोनों? बता भी दो प्रगति, बात क्या है? माँ, मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी। मतलब? मैं बार काउंसिल की मेंबर बन गई। वाओ। और अब मैं वकालत कर सकूंगी माँ। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तुम्हारी कामयाबी पर नाज है बेटा, और मुझे विश्वास है मेरी बेटियां बेटों से बढ़कर है। शाबाश बेटा। माँ एक बात कहें? बोलो ना बेटा। अब आपने बहुत काम कर लिया हमें कुछ बनाने के लिए, और अब आप आराम करो। हम जानती हैं कि आपका जवाब क्या होगा। क्या होगा? यही कि काम जिंदगी है, काम सबको फिट रखता है, है ना? काम करते रहना चाहिए। जब जानती हो तो क्यों बोलती हो? करने दो ना मुझे काम, बस काम से नहीं थकती मैं। माँ यू आर ग्रेट, कभी थकती नहीं हो। निराशा को आशा का जामा पहनाती हो, मगर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। अब आपकी बेटियाँ कमाने लगी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको सुख दें। मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मुझे इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए? बस पलकी की चिंता है मुझे। डोंट वरी माँ, पलकी हम सबसे समझदार है। फिलहाल लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। सही कह रही हो, लेकिन फिर भी पलकी को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं क्या कर रही होगी। तुम सिर्फ एक तस्वीर नहीं, तुम मुझ में बसती सांस हो, मेरे बदन में बहता हुआ लहू हो, मेरी दृष्टि हो, मेरी चेतना हो, तुम मेरी माँ हो। ठिठुरती हुई सर्दी में अपना कंबल मुझको देकर खुद एक पतली सी चादर में सो गई, वो तुम थी माँ, जिसने मेरी सारी तकलीफों को आंचल में बांधकर अपनी सारी खुशियां मुझ पर लुटा दी, वो तुम थी माँ। तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ एक तस्वीर नहीं, रूह हो मेरी। वेल डन पलकी, वेल डन। मैडम आपके कॉस्ट्यूम्स। जाओ कॉस्ट्यूम चेंज करो, तुम्हारा फोटोशूट है। जी। करण, सुबह से कहाँ थे? मैंने पूछा कहाँ थे सुबह से? अरे क्यों ताव खा रहा सूरज है?
दादा ने गड्डी लेकर दी है, रौंड शौंड लगाने गया होगा, है सैर सपाटा करने, मजा आया ना? पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं, चला हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले। खा ले। बापू, आपने अपने पोते को और ये गायत्री ने अपने बेटे को अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। सूरज, अरे तू क्या जाने, मारे खानदान का इकलौता वारस है ये मारा पोता। बात हो गई, ये बात हो गई। बलात्कार करण, सूरज सब करने के लिए तुझे घर से बाहर भेजा था, आज के बाद तू इस घर से कदम बाहर नहीं रखेगा। सुन, आज तक इस घर में मुझे और बापूजी को सलाम ठोकने के लिए पुलिस आती थी और आज एक मुजरिम को ढूंढने के लिए आएगी। हेलो सर। सर मेरा नाम विवेक है और मैं एक एनजीओ चलाता हूं। थैंक यू सर। सर मायसेल्फ रिया, चीफ रिपोर्टर यश बाबू ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। इस केस के लिए मैंने ही आपको कॉल किया था, इनफैक्ट फोटो भी मैंने ही खींची और खबर भी मैंने ही छपवाई सर। सर मुजरिमों का अभी तक कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, बट आई सैल्यूट यू कि आपने निडर होकर उसकी फोटो अखबार में छपवाई, उसे बेनकाब किया। हाँ एक बात और, अगर वो लड़की बयान देकर मुकर गई तो ये केस एक ही पेशी में खारिज हो सकता है। सच कैसे लोग, बेटी ने जन्म देना किसी पाप का नतीजा से, और तेरे के लिए जो कुकर्म हुआ है ना, इससे जो बात सच हो गई है। बेटी ने तो पैदा होते मार दियो बस, या तो उसे खुद मर जाना चाहिए। अरे के कैसे बावड़ी, इसमें छोरी की क्या गलती से, इसने थोड़ी क्या कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर। मारी छोरी तो मारा स्वाभिमान से, जिस किसी ने मारी छोरी के साथ ऐसी नीच हरकत की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप तो सबने मार दियो और फांसी पे लटक जाओ। तो क्या कर सके हैं हम गरीब लोग, दो बखत की रोटी भी मुश्किल से जोड़ पावे हैं, और आप बदला लेने की बात करो। इस छोरी के कारण पूरी बिरादरी में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न बचे हैं। हम तीनों को ना जहर खा के मर जाना चाहिए। आपके मरने से उन गुंडों को और छूट मिलेगी, ये सोचा है आपने? और कल, कल वही गुंडे जाकर किसी और की लड़की को उठाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? आप लोग कौन हो भाई, यहाँ तो बच्चा दिखना है हो? जी नहीं,
आप गलत सोच रहे हैं। हम तो आपकी मदद करने आए हैं, इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देने आए हैं। मेरा नाम विवेक है। और मैं हूँ रिया, मैं एक पत्रकार हूँ। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस केस में आई विटनेस हूँ और इसी के नाते आपकी लड़की की सम्मान की लड़ाई में आपका पूरा सहयोग देने आई हूँ। हम कोर्ट जाएंगे और उन दरिंदों को सलाखों के पीछे। तो तू है वो छोरी जिसने अखबार में मारी इज्जत उछाल रखी से। इतने में तेरे कलेजे में ठंडक ना पड़ी जो यहाँ आ गई मारे जले पर नमक छिड़कने। आप लोग जाओ यहाँ से, हमें माफ करो। पर अब बात तो बस ठीक है बाबूलाल जी, हम चले जाते हैं, पर आप हार मानकर अपनी बेटी का अपमान कर रहे हैं। हाँ बाबूलाल जी, आप कमजोर मत पड़िए, आप अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी कमजोर कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं पर अपनी बेटी के लिए तो हमारा साथ दीजिए। कैसे साथ दें? पता है कितना पैसा खर्च हुए है वकीलों में, कोर्ट कचहरी में। आप चिंता मत कीजिए बाबूलाल जी, कुछ खर्चा नहीं होगा, और वैसे भी जो भी खर्चा होगा वो हमारी संस्था उठाएगी। वैसे भी हमारी संस्था समाज में परेशान लोगों की हमेशा मदद करती है। बस आप हिम्मत मत हारिए, हमारा साथ दीजिए। मैंने क्या करना होगा? बाबूलाल जी घबराओ नहीं, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा जी। बस आप इस पर साइन कर दो। बलराम जी साहब, ये लो जी, इसकी जेरोक्स कॉपी बाबूलाल जी को दे दो। और हाँ, जितने भी अपराधी हैं इनकी फोटो मेल पर डालो। जी हाँ। वो कहीं भी हो उन्हें गिरफ्तार कर लो। जाओ बाबूलाल जी। जी दरोगा जी, आपको धमकाया जाएगा, हर तरफ से धमकी मिलेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखो बाबूलाल, अपराधी सलाखों के पीछे तब होंगे जब आप मजबूत होंगे। अगर आप मजबूत होंगे तो केस मजबूत होगा, अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो केस भी कमजोर पड़ेगा। इसलिए हिम्मत रखिए, अब आप जा सकते हैं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, माँ बाप की डांट डपट और घर से ना निकलने की वार्निंग को मैनेज करने में टाइम तो लगेगा ना। तन्ने बात तो ठीक कही, मगर अखबार ने जो खबर छापी तन्ने देखी? बस यार। अरे अखबार वालों को क्या चाहिए, एक गरम खबर, और इससे ज्यादा गरम खबर क्या होगी कि एक जवान लड़की, कमसिन लड़की का तीन तीन लौंडों ने किया बलात्कार, और वो भी फ्रंट पेज पर। अरे हमें ना अखबार वालों से कमीशन लेना चाहिए। लेना चाहिए भाई। और ये सब छोड़ो यार, एक चिल्ड बियर पिला दे कि मजा आ जाए। बिल्कुल भाई, निकाल दे बियर। अरे रुक, अरे जल्दी निकाल ले दे भाई। वो हॉट लड़की, अरे अखबार वालों ने हमें नौकरी पर रखा है के हैं। साड़ी छोरी रे, फोटो खिंची मारी, अखबार में छपवा दी, रे हीरो बना दिया मन ने। एक बार साड़ी मन ने मिल जाए ना, उसको सड़क पे नंगा ना किया ना, तो मारा नाम भी करण सिंह नहीं। क्या करते हो इतनी जोर की ब्रेक? क्या करूं बेबी, आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मजा नहीं आ रहा है। मतलब ये डार्लिंग, एक घंटे से हम दोनों साथ घूम रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस देखा है, एक फीट बना के रखा है तुमने, तो तुम्हें करीब लाने के लिए झटका तो देना पड़ेगा ना। बदमाश। चलो अब जल्दी। ये देखो, और ये
रुक रुक चौधरी, क्या बात है, क्या कमाल की लड़की है, इसे अपनी फिल्म में हीरोइन लॉन्च करो। हाँ रे, यस, बहुत सुंदर है, तहलका मचा देगी यार। जितना मर्जी चाहे पैसा लग जाए चौधरी, बस एक मीटिंग करा दो, आज रात को ही बुला लो। पलकी, वैसे समुंदर के लहरें काफी खूबसूरत है ना? जी नहीं, लेट लतीफ है, बिल्कुल आपके तरह मिस्टर कास्टिंग डायरेक्टर। दूर से आती हुई लहरें सिर्फ उम्मीद दिलाती है कि किनारों तक टाइम पे पहुंचे, लेकिन आती अपनी मर्जी से है, अब चाहे कोई कितना भी इंतजार करे। अरे बाप रे बाप, मतलब यहाँ पर भी डायलॉगबाजी शुरू। क्या करूं, कास्टिंग डायरेक्टर से जो प्यार हो गया है। प्यार सिर्फ बातों में करोगी कि कभी प्रैक्टिकल भी होगा? हेलो, क्या सर? थैंक यू सर। पलकी, तुम मूवी में एज हीरोइन सिलेक्ट हो गई हो। सच? अच्छा, मेरी बात सुनो। वो जो भगत चौधरी प्रोड्यूसर है ना, उसने तुम्हें आज रात को 9 बजे मीटिंग के लिए बुलाया। हाँ, तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? नहीं बाबा, मैं नहीं चल पाऊँ, मेरी एक्चुअली दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी मीटिंग है। लेकिन इतनी रात को अकेले? बाबा इसमें हर्जी क्या है, और वैसे भी वो जो प्रोड्यूसर है ना वो बहुत शरीफ आदमी, तुम जाओ। ठीक है? ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी। That's like my brave girl. May I come in, sir? Come in. मुबारक हो आपको हमारी मेगा बजट फिल्म। थैंक यू। मुबारक हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर। बड़प्पन तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब? अब इतनी भोली भी मत बनो मैडम, जितना वक्त तुम यहाँ बर्बाद करोगी उतना वक्त वहाँ बाहर चेक बनने में लगेगा। मेरा आत्म सम्मान तुम्हारे जमीर की तरह बाजारों नहीं है। जा रहे
आजकल तो सुक्का सुक्का है, कोई हरियाली ना से? बिल्कुल सुक्का। हाँ यार, वो लड़की फिर से मिल जाए ना। लो साहब, हम इन्हें गली गली ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ मजाक कर रहे हैं, क्या करें इनका? अरे करना क्या है भले, हवालात में डालो इन लोगों को, ठंडी बियर पिलाएंगे। अरे भागने की कोशिश मत करना, सब गोली चला देते हैं, समझे? चल। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, तन्ने गलत पंगा ले लिया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? और तू मने नहीं जानता कि मैं कौन हूं? चल। ओ सिपाही, खुल्ला रहन दे। तन्ने फिर से खोलना ही पड़ेगा। देख 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 देख, आ गया तेरा बाप। सरपंच हूं सूरज प्रताप सिंह, और ये जो करण है ना, मेरा बेटा है, छोड़ दो, क्या है बच्चे हैं, नदानी कर बैठते हैं। नदानी? सरपंच साहब, अखबार तो पढ़ा होगा ना आपने, आपके नदान बेटे ने बलात्कार किया है, और फिर आप सरपंच हैं, कानून तो जानते ही होंगे। इंस्पेक्टर, खुश कर दूंगा तुझे, इन तीनों को छोड़ दो। छोड़ेगी तो अदालत, हमारा काम है चालान काटना, हथकड़ी लगवा के अदालत तक ले जाना, फिर अदालत फैसला करेगी के होगा। इंस्पेक्टर, जानते हो ना तुम हमारी पहुंच कहां तक है? जानता हूं, छुड़ा लेना अपने बेटे को अदालत से। सरपंच साहब, अब आप जा सकते हो। की चाबी। अरे वाह, क्या बात है, शूटिंग पे जाने की तैयारियां शुरू और मुझे बताया भी नहीं। हाँ बाबा, अब से कम मुझे मेरा मेहनताना तो देती जाती। हाँ पलकी, कुछ तो बोलो बाबा। क्या बोलूं, यही कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यही कि तुम और तुम्हारा वो प्रोड्यूसर भगत चौधरी दोनों पिंप हो, यानी कि हमारी हरियाणा की भाषा में दल्ले हो। Have you lost your senses, Palki? वाह वाह वाह, बड़े स्मार्ट हो। तुम दोनों की प्लानिंग, मुझे उस फाइनेंस सर के पास भेजा ताकि मैं अपना जिस्म उसे वहां परोस दूं। मिस्टर नवीन, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम इतने नीच हो, हीरोइन बनाने का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की चादर बिछाकर खरीदना चाहता था वो मुझे, वो ब्लडी फाइनेंसर। क्या भोलेपन का नाटक मत करो पलकी। पलकी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था पलकी, बिलीव मी, आई स्वेर,
सी आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं हूं। तुम क्या हो और क्या नहीं मुझे अब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। पलकी नवीन प्लीज यहां से चले जाओ। सरपंच साहब आप तो सरकार और कानून के रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आजकल बलात्कार को लेकर सरकार और अदालत बड़ी गंभीर हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करो जी, कोई 50 लाख का खर्चा आएगा सबको मैनेज करने में। क्या है सरपंच साहब, आजकल मंत्री से लेकर संतरी तक सबको चढ़ावा दिए बिना बात आगे नहीं बढ़ती। वकील साहब हम जानते हैं और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। देखिए आप पैसों की तो फिक्र मत कीजिएगा, ये एडवांस, बस आप ऐसा कोई कानूनी दांव पेश लगाइए और हमारे बेटे को बाहर निकलवा दीजिए, हैं? चलते हैं। बस अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए, ये अब मेरा काम है। चलता हूँ। ओके। सूरज जल्दी कर। खबर पड़ गई, बड़ी जल्दी आ गए शहर से। रोटी वास्ते हुजूर घर से बाहर तो जाना पड़ता है ना, पर जैसे खबर पड़ी पुलिस ने मारे बेटे को धर लिया तो दौड़े दौड़े आपके चरणों में आ गए। हुजूर मारे बेटे को बचा लो, हम गरीब गवार लोग कोर्ट कचहरी की पेज ना जाने। अगर पहले से ही अपने बेटों पे लगाम कसी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारे आवारा बेटों के चक्कर में मारा पोता भी फंस गयो। हुजूर लगाम तो करण बाबू रूपी को सुननी चाहिए। माफ कर दो हुजूर, माफ कर दो, दिमाग खराब है इसका, माफ कर दो हुजूर, माफ कर दो। जब से पुलिस ने इसके बेटे को धरा है ये तो मामला सा हो गया। अरे बाबली बूझ माफी मांग ले साहब से। रो मत अब, निश्चिंत हो जाओ, मैं छुड़ा लूंगा उनको, जाओ कुछ ना होगा उनको, जाओ। जी हुजूर। बापू चलिए देर हो रही है। हाँ चलना। कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड बाय बैरिस्टर रामराज, अपने क्लाइंट मिस्टर करण सिंह और उनके साथियों का पक्ष इस अदालत के सामने रखना चाहूंगा, जिन पर मिस मालती ने बलात्कार जैसे संगीन जुर्म का आरोप लगाया है, और हमारी काबिल पुलिस ने माय लॉर्ड इंडियन पिनल कोड की दफा 375 और 376 के तहत मुकदमा दायर किया है। लेकिन माय लॉर्ड मैं बताना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए ये तमाम आरोप गलत और बेबुनियाद, क्योंकि माय लॉर्ड ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, दरअसल माय लॉर्ड मिस मालती का तो ये पेशा है अमीर लड़कों को फांसना, उनसे पैसे ऐंठना, उन्हें ब्लैकमेल करना। ये सरासर झूठ है, इन दरिंदों को बचाने की साजिश है ये। आपको जो कुछ भी बोलना है कटघरे में आकर बोलिए। माय लॉर्ड मिस मालती इससे पहले मेरे क्लाइंट्स पर और कई बेबुनियाद इल्जाम लगाना शुरू करें, मैं मिस मालती से चल सा बलात्कार करने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो मिस मालती आप अदालत को यह बताइए कि आपके साथ मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सिंह और उनके साथियों ने एग्जैक्टली क्या किया। और वो जो कुछ भी हुआ किन किन हालात में हुआ। हाँ हाँ बोलिए जी वो क्या, खुल के बोलिए ना। अच्छा समझ गया, आपको
कहानी बनाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए है? नहीं नहीं, होता है होता है, टेक योर ओन टाइम। क्या इस बहाने हो सकता है कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए? नहीं। तीनों ने हमारे साथ गलत काम किया। कैसा गलत काम? मतलब उन्होंने आपको गाली दी, कोई गंदा मजाक किया, कोई फिक्रे कसे, चोरी की या की चोटी खींची या आपको चिकोटी काटी है? है? क्या क्या गलत काम किया? इन तीनों दरिंदों ने मारा रेप किया। ओहो, रेप किया यानी बलात्कार। तो अब आप अदालत को ये बताइए कि ये रेप यानी बलात्कार आपके साथ कहाँ हुआ? जी, जी, झाड़ी में। झाड़ी में? एक मिनट माय लॉर्ड, क्योंकि चार्जशीट में तो लिखा है कि वो बलात्कार गेहूं के खेत में हुआ है। आप मुझे कंफ्यूज कर रही है मालती जी, जरा अच्छी तरह से याद करके बताइए ना, बलात्कार आपके साथ कहाँ हुआ, खेत में या झाड़ी में? क्योंकि माय लॉर्ड, मेरे ख्याल से खेत और झाड़ी में काफी फर्क है, खेत खेत है और झाड़ी झाड़ी है। तो मालती जी बताइए ना, कहाँ हुआ आपके साथ? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मिस मालती को तो ये याद ही नहीं है कि इनके साथ अगर वो वारदात हुई है तो कहाँ हुई। अब कैसे याद रखें मालती जी, दिन भर में मिस मालती ऐसे न जाने कितने कांड रचती रहती है, कहां तक याद रखें ये बेचारी। लेकिन मैं आपको बताता हूं मिलॉर्ड कि उस दिन मिस मालती ने जब मेरे क्लाइंट और उनके साथियों को एक सुनसान जगह पर देखा तो इन्होंने उन पर डोरे डाले, अपने साथ गलत काम करने के लिए उकसाया। लेकिन किस्मत खराब थी मालती जी आपकी उस दिन कि वहां से गुजरती हुई एक पत्रकार लड़की ने इन्हें देख ली, और जब वो पत्रकार इनके फोटो उतारने लगी तो मिस मालती ने अचानक एक रेप पीड़िता का नाटक शुरू कर दिया और मेरे क्लाइंट्स पर बलात्कार जैसे संगीन जुर्म का आरोप मढ़ दिया। पर मेरे हिसाब से ये एक जस्ट एन ओपन एंड शट केस, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट्स को सभी आरोपों से मुक्त कर उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और मिस मालती पर अदालत को गुमराह करने, अदालत का कीमती वक्त जाया करने और नारी सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलाया जाए। ये झूठ है जज साहब, मैं तो बाबू को खेतों में खाना पहुंचाने जा रही थी। अच्छा, झूठ है? तो फिर आप ये बताइए मिस मालती कि आज तक किसी भी वकील ने आपका केस क्यों नहीं लिया? क्या वजह है कि आपकी पैरवी करने के लिए कोई भी वकील तैयारी नहीं हुआ? वकील है वकील साहब। और मालती की पैरवी भी करेगी। जैसा मैं प्रगति अपने क्लाइंट मालती का पक्ष अदालत के सामने रखने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? मेरे सीनियर वकील शायद ये भूल गए हैं कि अदालत मनगणंत कहानियों और फिल्मी डायलॉगबाजी पर नहीं चलती बल्कि सबूतों और गवाहों के बिना पर चलती है। मालती की मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस स्टेटमेंट और अखबारों की कुछ कटिंग्स मैं अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मालती की मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस स्टेटमेंट, अखबारों की सुर्खियां ये चीख चीख कर बयां कर रही है जज साहब कि कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के समाज के लिए बदनुमा दाग हैं और इन्हें इनके जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। That's all, Milo. कागज के ये चंद टुकड़े मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं है। मेरी काबिल दोस्त तो मेरे ख्याल से अभी अभी वकील बनी है, शायद ये भूल रही है कि ये साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ती है जो इनके पास नहीं है। माय लॉर्ड, मेरे सीनियर दोस्त ने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जुर्म इतना संगीन है इसीलिए अदालत से मैं गुजारिश करूंगी कि करण और उनके साथियों का इकबालिया बयान लेने के लिए इन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जाए
ताकि इस केस की जांच निष्पक्ष हो सके। That's all, my lord. Objection, my lord. Objection overruled. अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले करण सिंह और उसके दो साथी राजू और बिरजू को अदालत 14 दिन का पुलिस रिमांड देती है ताकि उनके बयान रिकॉर्ड किए जा सके। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। पता है आज प्रगति ने कैसा मुकदमा लड़ा? सामने वाले वकील के तो तोते ही उड़ गए थे। मुझे मेरी बच्चियों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। देख लेना, एक दिन पूरी दुनिया कहेगी विद्या की एक एक बेटी 100 बेटों पर भी भारी है। माँ, ये सब आपके विश्वास और आशीर्वाद का नतीजा है, वरना पहला मुकदमा, पहली तारीख और सामने इतना बड़ा वकील, कहाँ टिक पाती मैं? ऐसा क्यों कहती हो बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चियों के साथ है। बस बस माँ, अब बहुत हो गया। आज से आप आराम करोगी और आपकी बेटियाँ काम। मेरी बेटियों ने नारी सम्मान की ये जो जंग छेड़ी है ना, इससे मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन तुम मेरे काम के पीछे क्यों पड़ी हो? इस नारी का जो चल रहा है वो चलती रहने दो ना। चलती का नाम गाड़ी। मुझे पता है आप यही कहोगे हमेशा की तरह। अरे पलकी, आजा बेटा। शाबाश, पता है हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। दीदी, आज कितना सरप्राइजिंग डे है ना, पलकी भी आ गई। सच कह रही हो बेटा, पता है हम सब लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं, कितना सोचते रहते हैं तुम्हारे बारे में, और तुम हो कि फोन भी नहीं करती। और आज खुद आ गई, ऑल ऑफ अ सडन हमारी याद आ रही थी इसे, इसलिए क्यों है ना। पलकी, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुना नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, क्यों पूछ रही हो? पहले इसे फ्रेश तो हो लेने दो। लो बेटा, शाबाश। तुम तो बस शुरू हो जाती हो वकील की तरह। पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है सरपंच साहब, ये तो आप जानते ही। अब पुलिस को काबू में कैसे करना है, मेरे ख्याल से ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। बस आप पुलिस को काबू में करो ताकि फैसला हमारे हक में आए। इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? क्यों, तू भी नहीं जानता थारा बाप कौन है? इंस्पेक्टर, तू ना अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अगर तूने स्टेटमेंट नहीं लिखी ना तो तू अपने गिरने के लिए दिन भी भूल जाएगा। 2 मिनट के अंदर लिख, नहीं तो थारा हाल भी वही करूंगा जो थारे दोस्तों का हो रहा है। सर, सरपंच साहब आपका वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहे हैं। सूरज प्रताप सिंह, वेटिंग एरिया में, मारे कैबिन में आ जाते, क्या सेवा करें आपकी, ठंडा लोगे या गरम? इंस्पेक्टर, तेरी तरक्की की बात करने वास्ते आया हूं। यो कब तक इंस्पेक्टर बना रहेगा है?
मारी एक छोटी सी बात मान लेवेगा तो कल डीएसपी और परसों एसपी। और ये सब भी थारा इंस्पेक्टर। ओ भले राम, सरपंच साहब वास्ते गरम कड़क चाय लेके आ। इंस्पेक्टर मारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये तो तेरी समझ में आ गई होगी। सरपंच साहब, पुलिस वालों की कड़क चाय है, हल्के में लोगे ना मुंह चला बैठोगे। सुनो, अपना बिस्तरा बोरी उठाओ और पलकी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? जवाब दो पलकी, जो तुमसे पूछा जा रहा है आखिर हमें भी तो पता चले। अब इतनी भोली भी मत बनो मैडम, जितना वक्त तुम यहां बर्बाद करोगी उतना वक्त वहां बाहर चेक बनने में लगेगा। क्या करती? कुछ नहीं, तूने बिल्कुल ठीक किया। तू बिल्कुल मत घबरा, आर्टिस्ट है तू, यहां बहुत काम है। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी बहने। अरे बेटा, मुझे तो नाज है तुम पर, करोड़ों पर ठोकर मार दी तुमने लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। शाबाश बेटा, मेरा बच्चा। पेच फंस रहा है सरपंच साहब, वो इंस्पेक्टर भी ईमानदार आदमी निकला, लगता है शनि भारी चल रहा है। मैं तो कहूं सरपंच साहब, छोरे के लिए महामृत्युंजय का जाप करवा लो। ए बाहुड़ी बुच्छ, तने इतने पैसे अपना श्राद्ध करवाने के लिए वकील? अरे भाई गरम चाय पिलाओ सरपंच साहब को, खोपड़ी ठंडी हो जाएगी। चाय? तू मन्ने चाय पिलावेगा? पुलिस वाली चाय, वकील की चाय नहीं पीनी मन्ने चाय। बस तू मारे बेटे को बाहर निकाल, वरना तुम सबसे चाय की खेती नहीं करवाई तो मारा नाम भी सूरज प्रताप सिंह नहीं। वो ठंड रखो जी, करता हूँ। ज्यादा अपना बीपी ना बढ़ाओ, हार्ट अटैक आ सकता है। सुनो यार, घबराने की जरूरत ना है। पुलिस ने जो कुछ भी किया है तुम लोगों के साथ मुझे बताओ। और सुनो, आगे से पुलिस कोई भी कागज दे साइन मत करियो, मत करियो। वो बोले तो बोलियो, जब तक अपना वकील नहीं आवेगा हम कुछ नहीं करेंगे, समझ गए? संघर्ष कर बन के निडर, हिम्मत न हार कर मंजिल को पार। संघर्ष कर बन के निडर, हिम्मत न हार कर मंजिल को पार। कुछ कर गुजर ना फिक्र कर, सपनों को तू अब हासिल कर। पंख दो पंख दो पंख दो, अपनी उड़ान को पंख दो। पंख दो पंख दो पंख दो, अपनी उड़ान को पंख दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ? क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? And listen, don't ever call me.
हेलो रिया, बड़ी जल्दी आ गए। I'm sorry यार, तुम्हें तो पता है ना, जब से मालती का केस हमारी संस्था लड़ रही है ना, तब से कोई ना कोई पीड़िता ऑफिस में आई जाती है। बस उन्हीं से बात करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। I'm sorry। बड़े आदमी हो गए हो, ऐसे ही एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। रिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? You know, I love you। अरे तुम तो गुस्सा कर रही हो, कुछ तो कहो ना। कभी तुम कहो कुछ, कभी हम कहें कुछ, इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। जुबा से कह दो ना, आँखों से जो कहती हो आज जुबा से कह दो ना, दिल में जो छुपी है बातें आज खुल के कह दो ना, तो मजा आ जाए। कभी तुम कहो कुछ, कभी हम कहें कुछ, कभी तुम कहो कुछ, कभी हम कहें कुछ, इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। जो बातें हैं आज दिल से सुन लो ना, हाँ, दिल से दिल की जो बातें हैं आज दिल से सुन लो ना, चलो चले ख्वाबों में इन ख्वाबों को उड़ने दो ना, तुम मजा आ जाए। कभी तुम कहो कभी तुम कहो कुछ, कभी हम कहें कुछ, इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। माय लॉर्ड, पुलिस रिमांड के बाद करण का इकबालिया बयां और बाकी के रिपोर्ट्स मैंने आपको सौंप दी है, जो मैं अदालत में पढ़कर सुनाना चाहूंगी। आप पढ़ सकती हैं। मैं करण प्रताप सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करता हूं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मालती का बलात्कार किया है। मेरे दोनों दोस्तों ने इस अपराध में मेरा सहयोग किया पर इस अपराध को अंजाम नहीं दिया। माय लॉर्ड, करण का इकबालिया बयान और बाकी के जांच रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि करण एक दरिंदा है, एक अपराधी है, और ऐसे दरिंदों को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग इनका उदाहरण लेकर नारी का सम्मान करना सीख जाएं। वाह, क्या बात है माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त को तो किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था। क्यों मिस प्रगति सिंह, मेरे ख्याल से वकालत से ज्यादा स्कोप है राजनीति में, नहीं? क्या भाषण देती है आप, दरिंदे और पता नहीं क्या क्या।
वैसे माय लॉर्ड, बताना चाहूंगा कि ऐसा ही एक स्टेटमेंट मेरे पास भी है जिससे यह साबित होता है माय लॉर्ड कि पुलिस ने जबरदस्ती मेरे क्लाइंट से यह इकबाल या बयान लिखवाया है। मेरे काबिल दोस्त को यह मालूम होना चाहिए कि यह बिना किसी सबूत और गवाह के सिर्फ एक कागज के टुकड़े के दम पर पुलिस जैसी संवैधानिक संस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? तो आप अदालत को पेश क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करता हूं माय लॉर्ड। अब जो गवाह मैं अदालत के सामने पेश करूंगा उससे मेरी कही हुई बात पर मुहर लग जाएगी। माय लॉर्ड, मैं थाने के बाहर चाय बेचने वाले छोटू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? तो आप छोटू हैं? जी साहब। छोटू जी, आप अदालत को यह बताइए कि थाने के बाहर आप ही चाय बनाते हैं? जी साहब। और जब जब थाने के अंदर चाय की जरूरत पड़ती है आप ही चाय लेकर जाते हैं? जी साहब। तो अब छोटू जी, आप अदालत को यह बताइए कि उस दिन जब आप थाने के अंदर चाय लेकर गए तो आपने वहां पर क्या देखा? साहब जी, जब मैं चाय लेकर अंदर गया मैंने देखा हवलदार भल्ले राम बालकों को लाठी से पीट रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। साहब जी, गौर से देखिए, क्या ये वही लड़के हैं जिन्हें थाने में पीटा जा रहा था? जी साहब जी, यही है। माय लॉर्ड, छोटू के बयान और मेरे क्लाइंट के स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि पुलिस ने डंडे के जोर पर मेरे क्लाइंट से वो इकबालिया बयान लिखवाया। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इंस्पेक्टर बलबीर और उनकी टीम को कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में तत्काल सस्पेंड किया जाए। आई डिमांड योर सस्पेंशन विद द इमीडिएट इफेक्ट। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं छोटू से कुछ पूछताछ करना चाहूंगी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। छोटू, तुम अक्सर हवालात जाते हो चाय पहुंचाने के लिए? जी मैडम जी। उस दिन चाय किसने मंगवाई थी? हवलदार भल्ले राम ने। छोटू, आप अदालत को बताएंगे कि भल्ले राम ने आपसे क्या कहा? भल्ले राम ने कहा मैडम जी कि साहब की कड़क चाय लेके आ, पत्ती ज्यादा चीनी कम। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त ऐसे बेतुके सवाल करके अदालत का वक्त जाया कर रही है माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। छोटू, आपने वहां इंस्पेक्टर बलबीर को देखा? ना मैडम जी, ना देखा। आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये तीनों लड़के वहां थे जब आप हवाला चाय पहुंचाने गए थे? मैडम जी, वो बीच वाले साहब जी ना थे, वो दोनों लड़के थे। जस साहब, किस तरह मेरे काबिल दोस्त ने एक सीधे सादे चाय वाले के बयान को इस केस का सबूत बनाने की कोशिश की। जब चाय वाला वहां पहुंचा तब मुख्य आरोपी करण सिंह और स्टेटमेंट लेने वाला इंस्पेक्टर वहां था ही नहीं। इससे ये साबित होता है जज साहब कि स्टेटमेंट देने वाले आरोपी पर ना कोई दबाव बनाया गया है और ना ही कोई मारपीट की गई है, जबकि आरोपी के पिता वहां इंस्पेक्टर पर पैसे और पावर का दबाव बनाने पहुंचे थे। और इस बात को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर बलबीर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर बलबीर, क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस दिन सूरज प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन क्या करने आए थे? जज साहब, उस दिन भल्ले राम ने चाय सूरज प्रताप के लिए मंगवाई थी। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त किस तरह इस केस को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारे गवाहों और सबूतों से यह साफ हो जाता है कि करण प्रताप ही दोषी हैं। That's all, my lord. My lord, लेकिन इसे ये भी साबित नहीं होता है कि मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट नहीं की गई है। इनकी हालत चीख चीख कर बयान कर रही है माय लॉर्ड कि इन्हें निर्ममता के साथ मारा पीटा गया है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले ह्यूमन ग्राउंड पर इन तीनों लड़कों की मेडिकल जांच करवाई जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मेडिकल सिर्फ करण प्रताप सिंह का ही होना चाहिए,
ताकि अदालत का ज्यादा समय जाया ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट भी करण प्रताप सिंह ने ही दिया है, इसीलिए मेडिकल जांच भी सिर्फ उन्हीं की ही होनी चाहिए। अदालत प्रगति की राय मानते हुए पुलिस को हिदायत देती है कि करण सिंह का मेडिकल करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। आंटी, पलकी कहीं दिखाई नहीं दे रही? पलकी की बातें तो मेरी भी समझ में नहीं आती बेटा। जब से मुंबई से लौटी है अकेली अकेली रहती है, गुमसुम सी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। माँ, इनफैक्ट विवेक पलकी से ही मिलने आया है। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। रुको, पलकी, पलकी बेटा, देखो विवेक भैया तुम्ही से मिलने आए हैं। हेलो, हाय पलकी। हाय भैया। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे एक काम था। काम क्या? तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प चाहिए? हमारी संस्था एक म्यूजिकल प्ले करना चाहती है, जिससे हम गरीब लड़कियों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उस प्ले के लिए हमें एक अच्छी सी डांसर चाहिए। तो मैंने सोचा कि भला अपनी पलकी से अच्छा उसके लिए कौन होगा? क्या तुम ये शो करोगी हमारी संस्था के लिए? मुझे बहुत खुशी होगी, मैं जरूर करूंगी। मेडिकल रिपोर्ट तो आएगी ही, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये लो। क्योंकि पुलिस ने मारपीट ही नहीं की है, और अगर की भी होती तो पुलिस के मार की रिपोर्ट आती कहां है? कुछ सोचना पड़ेगा। मन्नत तो लग रहा है तू सोचता ही रह जाएगा। ए वकील, कल की आई छोकरी तने पटकनी दे गई है? देख सुन ले, मेरे पोते को और उसके साथियों को जमानत दिला। दयाल सिंह जी, आपने ऐसी डांट अपने पोते को लगाई होती ना तो वो अंदर ही नहीं जाता। देख, मन्ने वकालत ना सिखा तू। हाँ, वकील है, जिस काम के पैसे दिए वो काम कर। ए वकील, कुछ भी कर, कोई रास्ता निकाल। ए तेरी कानूनी किताब में कोई तो जुगाड़ होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा जुगाड़ जी? अब सूरज आ जा। माय लॉर्ड, बलात्कार का जो केस मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ दायर किया गया है वो एकदम झूठा और बेबुनियाद है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को खारिज कर मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। माय लॉर्ड, मेरे सीनियर दोस्त शायद वकालत में इतना ही सीख पाए हैं कि जब भी हाजिरी लगे तोते की तरह एक ही मंत्र भजना शुरू कर दो, मेरे मुवक्किल निर्दोष है। भाई, आपको कितनी बार बताया जा चुका है अदालत फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलती है, किसी नारे पर नहीं चलती। माय लॉर्ड, मेरी गोल्ड मेडलिस्ट दोस्त शायद ये भूल गई हैं कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा आदमी को मजाक का पात्र बना देता है। तो मेरी ओवर कॉन्फिडेंट वकील साहिबा, मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी, और वो गवाह है खुद मालती का पिता बाबूला। मैं बाबूलाल गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। हाँ तो बाबूलाल जी, मालती आप ही की बेटी है? जी, मारी छोरी से। तो आपको यह तो पता ही होगा बाबूलाल जी कि आपकी बेटी मालती ने इन तीनों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। तो आप मुझे और इस अदालत को यह बताइए, क्या आपकी बेटी मालती के साथ वाकई कोई बलात्कार हुआ? बलात्कार? ना ना ना, मारी छोरी के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बाबूलाल वाह। अच्छा ये बताओ कि जिस एफआईआर पर आपने दस्तखत किए थे
क्या वो भी गलत है? सरकार, हम लोग पर दबाव डाला गया था, इसलिए मारे को, मारी पत्नी और बेटी को थाने में जाके दस्तखत करने पड़ गए। FIR आपकी बेटी मालती ने करवाई थी, क्या ये सच है? हाँ जी, सच है। तो फिर ये भी सच होगा कि दबाव आपकी बेटी ने डाला है, नहीं? या फिर इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने? दोनों में से किसने दबाव डाला? इधर उधर क्या देख रहे हो बाबूलाल? किसने दबाव डाला, आपकी बेटी ने या इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने? जवाब दो बाबूलाल। जवाब देने से पहले यह ध्यान में रखना कि मालती के बलात्कार की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, क्या वो भी गलत है? साबित करना होगा। करोगे साबित? माय लॉर्ड, ये नई नई बनी वकील साहिबा अपने ही क्लाइंट को डरा धमका रही है, उसे झूठ बुलवाना चाहती है माय लॉर्ड। जज साहब, मैं अपने सीनियर दोस्त से ये कहना चाहूंगी कि मेरे जिरह में दखल ना दे। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि बाबूलाल को अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है। रामराज जी, जब तक केस की जिरह पूरी ना हो जाए आप बीच में ना आए। दिस इज माई ऑर्डर। माई लॉर्ड, ये करण सिंह पुत्र सूरज प्रताप सिंह इस खानदान का कुल दीपक है, इसलिए उसके दादा दयाल सिंह मालती के घर गए ताकि वो दबाव डाल सके केस को वापस लेने के लिए, और करण सिंह और उसके दो साथियों को बचाया जा सके। और इस बात को साबित करने के लिए मैं मालती की माँ शांति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? क्या आप अदालत को बताएंगी कि दयाल सिंह आपके घर क्या करने गए थे? राम राम। आप अंदर आने को नहीं कहेगा? आओ आओ जी, आओ आओ। मारे नालायक पोते ने जो हरकत की है ना, मैं उसके बारे में बात करने आया हूं। बाबूलाल देख, मुझे गलत मत समझना, ठारी बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और उसका बहुत दुख भी है मन में, तो मैंने सोचा कि इस दुख की घड़ी में मैं थोड़ी सी थारी मदद कर दूं। ये 2 लाख। देख बाबूलाल, अब जो होना था वो तो हो गया, थारी बेटी की इज्जत वापस तो आ नहीं सकती। अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो क्यों अपनी बेटी की इज्जत को और उछाल रहा है? कोर्ट में तेरी बेटी की इज्जत को तार तार होते देख बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो इसलिए ये रख ले और उसे कह के केस वापस ले ले। बाबू, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। केस वापस लिया तो 3 लाख और दूंगा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाती है। नहीं, आप यहां से चले जाइए। देख लो तुम्हारा इनकार। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तन्ने नहीं पता मैं क्या कर सकूं। बाबूलाल, एक्सीडेंट में मौत भी हो सके। बाबूलाल, क्या यह सच नहीं है कि तुम्हें दयाल सिंह ने खरीदने की कोशिश की? चुप क्यों हो बाबूलाल? तुम्हारी झुकी नजरें बता रही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। बाबूलाल, तुमने 2 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह, तुमने पवित्र ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई है, और दूसरा गुनाह, जिसे ये अदालत समझे ना समझे,
लेकिन भगवान देख रहा है। बेटी जब जन्म लेती है तो लोग कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। उसे पूजा जाता है कंजक की तरह, माँ दुर्गा का रूप मानकर। पर अचानक उसके साथ एक हादसा हो जाता है। कुछ दरिंदे उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। तब सभी लोगों का नजरिया बदल जाता है और उसी भीड़ में एक आप जैसा बाप भी होता है, जिसे इन हालात में अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। उसके इस लड़ाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए था, पर वो अपना हथियार डाल देता है और बड़े निर्ममता से कह देता है भाई कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। बलात्कार होता क्या है आपको अंदाजा भी है? आपको जरा से भी एहसास है कि कोई जब आपको आपके बिना मर्जी के यहां वहां हाथ लगाए तो आपको कैसा महसूस होता है? कहते हैं यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जब आप घर की देवी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके घर देवता का क्या निवास होगा? कैसे बाप हो बाबूलाल जो भरी अदालत में झूठ बोलकर अपनी बेटी की इज्जत उछाल दी, तोड़ दिया, उसे कमजोर कर दिया। तुमने झूठ बोला, बोलो बाबूलाल तुमने झूठ बोला। हाँ हाँ मैंने झूठ बोला, हाँ मैं बहुत बड़ा झूठा हूं। मैंने पवित्र ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई। चोरी तेरे पता से एक बेटी का बाप होना के हो वैसे कहिए। देखो आ गया बाबूलाल जिसने अपनी जवान बेटी की इज्जत सरेआम उछाल रखी से। हे भगवान कौन करेगा मारी बेटी से शादी? एक गरीब लाचार आदमी कर भी कह सके है जैसा? घर वालों को रोटी दे, उनकी इज्जत बचाए या कचहरी में मुकदमा लड़े? और यहाँ पे हाजिरी पे हाजिरी वकील साहब की धनी ने मेरी छाती में फलों भर के चुभे हैं। एक गरीब मजबूर बाप कब तक अपनी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें सुन सके है जज साहब? पर मेरी हिम्मत ना है जज साहब कि अपने घर वालों के प्राण मुसीबत में डालकर मुकदमा लड़ सकूं। इन दयाल साहब ने मुझे धमकी दी थी और मैं डर गया था जज साहब, इसलिए मैंने दयाल साहब के घर जाना पड़ा। राम राम। राम राम चौधरी साहब। राम राम। मन्ने पता था तुम आओगे, जरूर आओगे, और इसीलिए मैंने थारे ये 2 लाख रुपए संभाल के रखे। चौधरी साहब आपने मन्ने कैसे काम होने के बाद में 3 लाख और दोगे? अरे 3 लाख की के बात करे है तू? है काम हो जाने दे, खुश कर दूंगा तुझे। लेकिन पता है ना तने करना क्या है? हाँ हाँ मैंने पता सर। जैसा मैंने जो सवाल किए उसकी सच्चाई जानने के लिए मैं एक सरपंच दयाल सिंह को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से अपने पोते करण सिंह और उसके 2 साथियों को बचाने के लिए आप मालती के घर गए? नहीं। आप गए? मैंने कहा ना नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। झूठ को सच बनाने के लिए दयाल सिंह जी पर दबाव डाला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है अदालत को माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जैसा मुझे मालूम था केस को कमजोर करने के लिए खरीद फरोख्त की जा सकती है, धमकी दी जा सकती है, साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए मैंने मालती को चौकन्ना रहने को कहा था। और जब दयाल सिंह मालती के घर गए तो मालती ने बड़ी चालाकी से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जिसे मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। Thank you.
वापस लिया तो 3 लाख और दूंगा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाती है। देख लो तुम्हारा इनकार। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तन्ने नहीं पता मैं क्या कर सकूं। बाबूलाल एक्सीडेंट में मौत भी हो सके। तो दयाल सिंह जी, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? माय लॉर्ड, ऐसी फेक डीवीडीज रोज बन रही हैं। इस डीवीडी को सबूत नहीं माना जा सकता। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत देता हूं कि इस डीवीडी की फोरेंसिक जांच कराई जाए। 2 दिन के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। वो छोकरी जिसे मैं समझता था क्या खाक मेरा मुकाबला करेगी, बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। हम तो ये समझते थे कि तुम अदालती दांव पेच पे बहुत माहिर हो, मगर तुम तो प्रगति की एक भी दलील के सामने टिक नहीं पा रहे हो। अरे वो छोरी तेरी सब दलीलों को सरे से नकार देती है, और जज वो तो तेरी बात नहीं सुनता। के करे, कैसे बचाएगा करण को तू हमारे कुलदीपक को? है कोई रास्ता? है एक रास्ता है। वो छोरी प्रगति सिंह किसी भी सूरत में पैरवी के लिए अदालत तक न पहुंचे। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में क्या नहीं हो सकता सरपंच साहब? बेटे को बचाना है तो प्रकृति को खरीद लो, और अगर वो ना बिके तो उसे खत्म करवा दो। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? मुझसे बढ़कर कोई गिफ्ट है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। सरपंच साहब, राम राम। ओ, राम राम। आओ बैठो बैठो। और तबियत पानी सब ठीक? ठीक है जी, सब ठीक है। खजान सिंह के और राम सिंह के यहाँ पर कल पहला बच्चा हुआ है। अरे वाह। और दोनों आगे छोरी हुई है। अरे अच्छा, मतलब कि दोनों के घर लक्ष्मी आई है। जी, जी। बड़ी अच्छी खबर है भाई, बहुत ही अच्छी खबर है। ये ना, ये दोनों को दे देना, छोरी की गोद में डाल देंगे। एक बात पता है, छोरियों की कमी की वजह से छोरों की शादी के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल होता जा रहा है। यह बात तो बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा सरपंच साहब, अच्छा, राम राम। अच्छा, अच्छा, सरपंच जी, राम राम। अरे उत्तम, बैठ बैठ बैठ।
कैसे आना हुआ? सरपंच जी मेरे यहाँ छोरा हुआ है जी। छोरा मतलब कुलदीपक। बधाई हो, बधाई। तू तो पंच भी बन गया, घर में छोरा भी हो गया। ले छोरे की गोद में डाल देना। नहीं सरपंच जी, नहीं है। कल छोरे की छठ है और आपने तो आना ही है, ये आप खुद ही उसकी गोद में डाल देना। ये भी सही है। ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ। हाँ हाँ जा। राम राम जी। सूरज इधर आ। हाँ आ जा बैठ। जी बाबू। ये उत्तम पंच के यहाँ से मिठाई आई है, उसके घर बच्चा हुआ है, वो भी छोरा। अच्छा मनने लगे है बहु उम्मीद से? जी बाबू। तो कल ना उसे डॉक्टर के पास ले जा, अल्ट्रासाउंड करवा। अल्ट्रासाउंड क्यों? अरे ऐसा नहीं है कि मन ने छोरियां पसंद नहीं है, अब दो छोरियां हैं ना, मन ने अब छोरा चाहिए है? तो ये जानना है कि गर्भ में छोरा है या छोरी। जी बाबू चला जाऊंगा। बेटा ये लड्डू लो और बाहर जाकर खाओ। विद्या, विद्या जी लीजिए। अरे ये मिठाई किस खुशी में? वो हमारे पंचना उत्तम, उन्हीं के वहां से आई है, उनके घर पहला छोरा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आ, 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 दो बेटियों के बाप हो गए फिर भी नहीं बदले। खाओ खाओ। विद्या तुम जानती हो ना, एक दूसरे की झूठन खाने से प्यार बढ़ता है। मैं भी तो यही चाहती हूँ, हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहे। विद्या कल सुबह तैयार हो जाना। कोई खास बात? नहीं हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड? क्या हो गया आपको जी? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बापूजी ये जानना चाहते हैं कि इस बार गर्भ में क्या है। समझ गए, अल्ट्रासाउंड नहीं सोनोग्राफी कही है ना, लेकिन गर्भ में छोरा है या छोरी जानना तो अपराध है ना। विद्या मैं जानता हूं, मगर तुम भी जानती हो ना कि मैं बापूजी की किसी भी बात को टाल नहीं सकता, बस एक टेस्ट ही तो करवाना है। ये सही नहीं है। अरे विद्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, बापूजी की बात का मान रख ले। लेकिन ये गैर कानूनी है। मेरे लिए चलूंगी, आपके लिए। दादू दादू आप मेरे साथ खेलोगे? खेलना है? क्या खेलें? धक्कड़ बक्कड़। चल खेल ले। क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं? ऐसे अकड़ बकड़ बॉम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। चोर की बीवी ऐसी थी, चूड़ा करके बैठी थी, चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम। बेशरम? अरे क्या कर दिया मन ने, बेशरम बना दिया तूने।
मुझे इधर ही उतार दीजिए। फिर से खेलना पड़ेगा अब तो। सूरज जी बाबूजी। बेटा वहां जाकर खेलो, जाओ 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 जाओ। खबर इस बार भी छोरी फिर छोरी फिर छोरी गर्भ गिरवा दे। क्या गर्भपात? मन ने छोरा चाहिए छोरा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही आपको? क्या हुआ? क्या बात है विद्या? बाबूजी ये चाहते हैं कि। क्या चाहते हैं बाबूजी? देखो विद्या, बाबूजी को गलत मत समझना, मगर बाबूजी ये चाहते हैं कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं मैं हमारी बेटी को गर्भ में ही मार दूं? भ्रूण हत्या अपराध है, बाबूजी चाहते हैं मैं ये अपराध करूं? देखो विद्या, ऐसा नहीं है कि हमें छोरियों से नफरत है और इसीलिए हमें छोरा चाहिए, मगर दो छोरियां हैं ना, और इसीलिए बाबूजी खानदान का कुलदीपक चाहते हैं। मेरा मतलब है वारिस। एक मिनट, वारिस बाबूजी चाहते हैं या आप भी चाहते हो छोरा हो? ऐसा ही समझो। तो आप भी समझ लीजिए, मैं गर्भपात नहीं करूंगी, मैं ये पाप नहीं करूंगी। विद्या तुम समझती क्यों नहीं हो बाबूजी के जज्बात, उनकी चाहत? आप अपनी चाहत को बाबूजी की चाहत का नाम मत दीजिए। मैं ये नहीं करूंगी। तुम बाबूजी का अपमान कर रही हो। ये आपकी सोच है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने नारीत्व का सम्मान कर रही हूं। अपनी बेटी के जन्म का स्वागत कर रही हूं मैं। ये आप जैसे मर्दों की सोच है, आपका अहंकार है कि बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उसे जन्म दूंगी, जरूर दूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, या तो तुम अबॉर्शन कराओ, नहीं तो क्या? नहीं तो छोरियों के साथ घर छोड़कर चली जाओ। रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या ये सब?
देखो विद्या, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर इस तरह दो छोरियों के साथ घर छोड़कर जाना ये कोई आसान बात नहीं है। विद्या देखो, तुम अब मान भी जाओ। क्या मान जाऊं? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? खुद को समझाइए या फिर आपके बाबूजी को जाकर समझाइए। मैं किसे समझाऊं और किसे ना समझाऊं? अरे तुम अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? फैसला मैंने नहीं लिया, आपने मजबूर किया है मुझे। आप ही ने कहा था ना, गर्भ में छोरी को मार दो या फिर दो छोरियों को लेकर घर छोड़ दो, तो मैं घर छोड़कर जा रही हूं। देखो विद्या, आप अब भी समझ जाओ। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो। पापा पापा, हमारे साथ नहीं चलोगे? जाने दे इसे, दो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रगति आओ बेटा, ये प्रगति है हमारी मछली बेटी। इसने वकालत किया है, गोल्ड मेडल मिला है इसे, और वकील बनने के बाद इसे एक बहुत चैलेंजिंग केस मिला है, रेप विक्टिम का केस है। उस बेचारी मासूम बच्ची पर तीन बिगड़े हुए अमीरजादों ने बलात्कार किया। उस लड़की के लिए लड़ रही है हमारी बेटी। अरे रिया, इनसे मिलो। ये रिया हमारी सबसे बड़ी बेटी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बन गई है। मैंने आपसे जिस केस के बारे में कहा ना, उन तीनों गुंडों की फोटो इसी ने खींची है और बड़ी निडरता से अपने अखबार में छापी है। और हमारी तीसरी पलकी। बस माँ, उसे तो बहुत हो गया बेटा। लेकिन हमें पता चल चुका है कि ये आपके पति हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि करण सिंह बलात्कारी इन्हीं का बेटा है। और माँ, पता है ये क्यों आ जाए हैं? ताकि अपने बलात्कारी बेटे को बचा सके। देखो बेटी, यहाँ पर कोई आपकी बेटी नहीं है। रिया सिंह जर्नलिस्ट है और मैं वकील हूँ, सूरज प्रताप सिंह। आ गए रिश्ते निभाने?
20 साल पहले कहाँ थे जब आपने हमें घर से निकाला था, और वो भी तब जब हमारी माँ गर्भ से थी? वो क्या माँ, इससे पहले कि हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकले, आप इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मेरी बात तो सुनो। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो अदालत में होगी। क्या होगा? इकलौता बेटा है हमारा। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। कुछ तो करना होगा। गायत्री, आखिर मैं क्या करूं? मैं मानता हूं कि करण से हम सब बहुत प्यार करते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि करण जल्द से जल्द लॉकअप से बाहर आ जाए, किसी भी तरह। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, यस बाबू, ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। जी जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। मैम आपका फोन। हेलो, यस रिया। हाँ जी, कवर पेज पर पलकी की ही तस्वीर है क्या? ओके, वाओ पलकी, कवर पेज पे फोटो देखा? मैंने कहा था ना, तुम्हारी मन्नत जरूर रंग लाएगी। एंड यू मेड फॉर द इंडस्ट्री, एंड यू डेफिनेटली रॉक इट। यस, यू आर ग्रेट। एंड यू नो व्हाट, मुंबई से ऑफर आया है हीरोइन के लिए। लेकिन दी, मुंबई। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। एंड यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकती हो। और इस इंडस्ट्री में ही तो रहना है, और इस इंडस्ट्री से ही अपनी पहचान बनानी है। सही तो कह रही है तुम्हारी दीदी बेटा। बिल्कुल सही कह रही है। मैं अपने शेर पुत्र को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती। मैंने मेरी बच्चियों को जिंदगी में किसी भी मुसीबत से भागना नहीं सिखाया है, हमेशा डटकर उनका सामना करना सिखाया है। तुम्हें तो अपने पंखों के बल को आजमाना है, बहुत ऊंची उड़ान लगानी है तुम्हें। तुम मुंबई जरूर जाओगी और अपने सपनों को पूरा करोगी। और तुम्हें आसमान को छूना है, स्टार हीरोइन बनना है तुम्हें। आप सबका प्यार और विश्वास ही मेरी ताकत है। मैं मुंबई जाऊंगी। शाबाश, जरूर जाऊंगी। ये हुई ना पार, आ जाए। शाबाश बेटा। तरी, मैं ही सबकी पहली पसंद, मैं ही सबकी आखिरी।
दिल की हर धड़कन नाचे, तू है ऐसी सोन परी, प्रेम नगर का मैं हूँ जोरी, तू है जर्रे जाफरी ताफरी ताफरी। तितर दम्मा तितर मांगे तीतरी, मैं ही सबकी पहली पसंद, मैं ही सबकी आखरी। तितली बन के उड़ो, खुशबू बन के मैं महकूं, ख्वाहिशें है मेरे दिल की, आसमां में मैं चमकूं। हाँ तितली बन के उड़ो, खुशबू बन दम्मा तितर मांगे तीतरी, तू ही मेरी पहली पसंद, तू ही मेरी आखरी। तितर दम्मा तितर मांगे तीतरी, मैं ही सबकी पहली पसंद, मैं ही सबकी आखरी। तीतरी, मैं ही सबकी पहली पसंद, मैं ही सबकी आखरी। दिल की हर धड़कन नाचे, मैं हूँ ऐसी सोन परी, प्रेम नगर का तू है जौहरी, मैं हूँ जर्रे जाफरी। रामराज जी, इस मेडिकल रिपोर्ट में तो साफ साफ है कि आपके मुवक्किल पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। डॉक्टर को कोई मारपीट के या चोट के निशान नहीं मिले। आप तो सीनियर वकील हैं, सोच समझकर इल्जाम लगाइए पुलिस डिपार्टमेंट पर। प्रगति जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। जज साहब, मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और इसी भरोसे पर मैंने अपना पहला केस, जो एक ऐसा केस था जिसे कोई भी नया वकील लेने से कतराता है, पर मैंने लिया। और इसी भरोसे से मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि जिस न्याय की हकदार मालती है उसे दिया जाए, ताकि वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। करण प्रताप सिंह के खिलाफ मैंने सारे सबूत अदालत को प्रस्तुत कर दिए हैं, जो साफ तौर पर करण प्रताप के दोषी होने की तरफ इशारा करते हैं। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि अदालत न्याय के पक्ष में फैसला सुनाए और करण प्रताप को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की जाए। That's all my lord। हाँ भाई रामराज, आपको या आपके मुवक्किल को कुछ कहना है? Yes, yes my lord। मेरे क्लाइंट बेगुनाह है, निर्दोष। आप कुछ नया बताइए, ये चालीसा तो पहले दिन से सुना रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। नया है my lord? तो बताइए भी। माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक खोखला इल्जाम है, महज एक प्रोपोगंडा है। मेरी काबिल दोस्त के वकालत के कैरियर को एक सुपर हिट ब्रेक देने के लिए, और जिसके लिए माय लॉर्ड
इन्होंने मेरे निर्दोष क्लाइंट की बलि चढ़ा दी। मैं ये बात माय लॉर्ड इसी वक्त साबित कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं एक बार फिर से मालती को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मालती जी, आपने जो मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, क्या अपनी मर्जी से करवाई थी? जी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मालती जी, आपने किसके कहने पर ये FIR दर्ज करवाई? रिया दीदी के कहने पर। रिया दीदी? कौन रिया दीदी? जी, रिया दीदी। जी हाँ, मैं यही बात साबित करना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि मिस प्रगति सिंह ने अभी अभी वकालत का करियर शुरू किया है, और ये एक स्टार लॉयर बनना चाहती है। और जिस रिया दीदी का जिक्र अभी अभी मालती ने किया है, वो रिया दीदी और कोई नहीं माय लॉर्ड, मिस प्रगति सिंह की बड़ी बहन है, और वो भी अपने करियर के शुरुआती दौर से गुजर रही है। ये दोनों बहनें अपने अपने करियर को चमकाने के लिए एक निर्दोष को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल करके अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है माय लॉर्ड। वरना अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे अदालत के सामने पेश क्यों नहीं करती? क्यों इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रही है? माय लॉर्ड, चश्मदीद गवाह है। अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो 2 दिन के अंदर उसे पेश किया जाए, अदालत का हुक्म है। अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। ये फोटो है, ये छोरी यश बाबू के ऑफिस जाएगी सबूत लेने के लिए। बस वो सबूत छेड़ लेना, और अगर सबूत हाथ ना आए तो ये लो, काम हो जाने के बाद और मिल जाएंगे। ये मैं भेज रहा हूं अब। ये गई फोटो। काम हो जाएगा। बोलो रिया। हेलो सर, कहाँ पर हो आप? मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, कल तक आ जाऊंगा। सर वो रेप केस वाली जो चिप थी वो चाहिए प्लीज अर्जेंट। वो टॉप सीक्रेट रूम में है, वहां से ले लो। मन ने भरोसा नहीं है, तू अपनी कानूनी किताब में घुसा रहा है वकील। मैंने जबरदस्त इंतजाम कर दिया है, ये छोरी रिया कल अदालत में पहुंचेगी नहीं। हाँ, अरे मैं बाद में बात करता हूं। बाबू, ये रिया के बारे में क्या बात कर रहे थे? देख, ऐसा है, मैंने अपने पोते को छुड़ाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ये छोरी रिया कल अदालत में पहुंचेगी नहीं, और अगर पहुंच भी गई ना तो खाली हाथ। मतलब? अरे बावड़े, इतनी सी बात ना समझ में आ रही है? मेरे आदमी छोरी रिया से सबूत छीन लेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो उसका काम। बापू, आपके मन में जब जो आया आपने किया। आपको ये अधिकार किसने दिया लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का? आप अपने आप को समझ से क्या है भगवान है? पहले मेरी भरी पूरी जिंदगी में आग लगा दी, मुझे मेरी विद्या से दूर कर दिया, और अब मेरी बेटी रिया को मारना चाहते हैं आप? क्या रिया थारी? हाँ बाबू, रिया मेरी और विद्या की बेटी है। बदतमीजी के लिए माफ कर देना, पर सच यही है।
अंधेर हो गया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी गलती। अब नंबर भी ना लग रहा, मैं कैसे बात करूं, क्या करूं? प्रगति? हाँ माँ। बेटा रिया कहाँ गई है? ना उसका फोन लग रहा है, ना उसने कोई कांटेक्ट किया है। डोंट वरी माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? रिया दीदी बच्ची है क्या? आ जाएंगी, आप मत हो परेशान। तुम नहीं समझोगी। खैर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम करो अपना काम। ओके माँ। आ जाएगी वो। माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त के बार बार रिक्वेस्ट करने पर यह अदालत सुबह 10 बजे से रिया सिंह और उनके सबूत का इंतजार कर रही है। और अब 11 बज चुके हैं माय लॉर्ड, ना रिया सिंह का पता है ना उनके सबूत का। गुमराह किया जा रहा है अदालत को माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, रिया सिंह रात भर से घर नहीं आई है। कमाल है माय लॉर्ड, मिस प्रगति सिंह जो नारी समाज को लेकर, नारी की सुरक्षा और सम्मान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इन्हें ये नहीं पता कि इनकी अपनी बहन, इनकी सगी बड़ी बहन रिया सिंह रात भर से कहाँ है? माय लॉर्ड, ये मुकदमा नारी के अपमान, उसके साथ हुए जघन्य अपराध बलात्कार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अदालत से अपील करती हूँ कि रिया सिंह को हाजिर होने के लिए और वक्त दिया जाए ताकि अदालत सही इंसाफ कर सके। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रगति की अपील पर गौर करते हुए अदालत लंच तक का टाइम देती है। याद रहे, अगर रिया सिंह लंच तक नहीं आई तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। द कोर्ट इज अर्जेंट टिल लंच आवर। सूरज क्या हो गया बापू? वो रिया। अरे रिया के बारे में तो मन ने कुछ नहीं पता। हाँ, और अगर वो ना आए ना तो हमारे लिए तो चाहिए, छोरा बड़ी हो जाएगा कि नहीं हमारा। पर बापू, सरपंच साहब, दयाल सिंह जी सही कह रहे हैं, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत ना है। आप रिया के नहीं, अपने बेटे करण के बारे में सोचिए। मैंने अदालत का रुख देख लिया है, जीत हमारी ही होगी। हाँ सही कह रहा है ये। मिलते हैं जी लंच के बाद। अरे हेलो मॉम, दीदी घर आई क्या? नहीं, क्यों? अभी तक अदालत नहीं आई है मॉम। क्या? रिया सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। माय लॉर्ड, रिया सिंह ना तो अभी तक आई हैं और ना ही वो आएंगी। रामराज जी, आपका इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि रिया सिंह नहीं आएगी, कहीं आपने ही तो उसे अगवा नहीं कर पा दिया? मिस प्रगति सिंह, कभी आप कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी आप मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाती हैं, कभी मुझ पर इल्जाम लगाती हैं। मैं आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूँ, जानती हैं आप? बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आपका बार बार कहना कि रिया सिंह नहीं आएगी, इससे तो यही जाहिर होता है कि आपको उसकी वजह भी पता है। जी हाँ, मुझे वजह भी पता है और इस मुकदमे की बुनियाद भी। जी हाँ माय लॉर्ड, अब जो मैं सच इस अदालत के सामने पेश करने जा रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और वो सच है माय लॉर्ड कि रिया सिंह और प्रगति सिंह दोनों हमारे सरपंच सूरज प्रताप सिंह की बेटियां हैं और दोनों बहनें मिलकर अपने बाप से बदला ले रही हैं।
क्योंकि सूरज प्रताप सिंह ने इनकी माँ के साथ इन्हें भी घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह थी इनकी माँ का एक बदचलन औरत होना। वकील साहब, माइंड योर लैंग्वेज, वरना चरित्र हनन का दावा मैं आप पर करूंगी और आप पर ही मुकदमा चलवाऊंगी। आपने जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूं कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मेरा नाम विद्या है। यह सच है कि मैं सूरज प्रताप की पत्नी हूं। सदियां बीत गई, लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, कसम सच बोलने की, लेकिन जब समय आता है तो झूठ बोलने से नहीं डरते हैं, सच्चाई को छिपाने से नहीं कतराते। गीता में जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, वो मैंने सीखा है और वही मेरी बेटियों को भी सिखाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहम्। मैं जानती हूं इसका मतलब अदालत और अदालत में मौजूद हर शख्स जानता है। धर्म युद्ध अटल है जज साहब, और ये भी एक धर्म युद्ध ही है। ये युद्ध है नारी के सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। ये लड़ाई है नारी के अस्तित्व की, ये लड़ाई है पुरुषों की सत्ता प्रिय सोच के खिलाफ, जो शायद ये भूल जाते हैं कि अगर नारी न होती तो उनका अस्तित्व ही नहीं होता। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर, जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। वाह 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 विद्या देवी वाह, क्या भाषण देती हैं। आपको तो राजनीति में होना चाहिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस प्रगति सिंह आप ही के नक्शे कदम पर चल रही हैं। खैर, आप मुझे और इस अदालत को सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप सूरज प्रताप सिंह की पत्नी थी? मैं सूरज प्रताप सिंह जी की पत्नी थी नहीं, आज भी हूं। जी हां जज साहब, सूरज प्रताप सिंह ने मुझे तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। और 20 साल से आप उनसे कभी मिले नहीं, और ना ही कभी आपने लौटने की कोशिश की। सरप्राइजिंग। रामराज जी, ये इनका फैमिली मैटर है। आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो दलील इस केस की ना हो ना दे, आपको ये लास्ट वार्निंग है। मेरी दलील इस मुकदमे से जुड़ी हुई है माय लॉर्ड। जब सूरज प्रताप सिंह ने विद्या देवी को अपने घर से चरित्रहीन मानकर निकाल दिया तो ये अपमान से जलने लगी। इन्होंने अपनी बेटियों के दिमाग में जहर भर दिया, और इनकी बेटियों ने अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए सूरज प्रताप सिंह के बेटे करण सिंह को झूठे केस में फंसा दिया माय लॉर्ड, जो कि इनकी सौतन का बेटा है। जज साहब, अदालत के सामने सबूत पेश किया जाए। जज साहब,
जब मुझ पर हमला हुआ तो शायद चिप वहां पर गिर गई। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दे दीजिए ताकि मैं आप तक सबूत ला सकूं। माय लॉर्ड, ये चल क्या रहा है? तमाशा बना रखा है इन दोनों बहनों ने। इनके पास कोई सबूत नहीं है माय लॉर्ड। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है ये अदालत अपना फैसला सुना दे। अभी तक अदालत को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे सिद्ध होता हो कि करण सिंह और उसके दो साथी अपराधी हैं, इसलिए अदालत अपना फैसला सुनाती है। ठहरिए जज साहब। आप? मैं राजेंद्र वर्मा, MD यश बाबू ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। सर इसमें है सबूत। जज साहब, मेरी आपसे अपील है कि लैपटॉप में जो भी सबूत है उन्हें आप सार्वजनिक ना करके खुद देखें, क्योंकि यह नारी सम्मान से जुड़ा है। ओके। अदालत के सामने सबूत आ चुका है और चश्मदीद गवाह भी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि करण सिंह पुत्र सूरज प्रताप सिंह ने बलात्कार करने का अपराध किया है। राजू और बिरजू ने इस अपराध में करण सिंह की मदद की, इसलिए अदालत करण सिंह को IPC धारा 376 के तहत 10 साल की बामुशक्कत सजा सुनाती है और 5,00,000 जुर्माने का हुक्म देती है। राजू और बिरजू को भी IPC धारा 376 के तहत 6-6 साल की बामुशक्कत सजा सुनाती है। आसमान को मुट्ठी में थाम लो, जीतेंगे हर डगर, बस इतना ठान लो। नारी तू शक्ति, तू ही नारायणी, तू ही कालिका, तू ही भवानी। पंख दो अपनी उड़ान को, पंख दो अपनी उड़ान को। प्रताप सिंह सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने परिवार की खुशियों में शरीक हो गया। दयाल सिंह का अंतर्मन उसे कचोट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने गुनाहों की माफी मांगे। आप यहाँ, ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप तो हमारी पूजनीय हैं। ना बेटी, ना, पूजनीय तो तुम हो बेटी, जिसने हमारी सोच बदल दी, जिसने मन ने बदल दिया। दयाल सिंह ने जिन बेटियों को अपनी दकियानूसी सोच की वजह से बचपन में घर से निकाल दिया था, आज उन्हें गले लगा लिया। रिया और प्रगति के समझाने पर मालती बिना किसी दबाव के
अपनी रजामंदी से करण सिंह के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। करण सिंह के अच्छे चाल चलन और मालती के अनुरोध पर उसकी सजा कम कर दी गई। जेल से रिहा होने के बाद तीनों बहनों ने मालती और करण की सादगी से शादी करवा दी। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। बेटे बेटी का भेद खत्म हो गया। बेटियों की हंसी से पूरे घर का माहौल बदल गया। आज हम गर्व से कह सकते हैं, मारी छोरियां मारा स्वाभिमान से है।